आई मीन यू आर मार्केटिंग टीम ना, किसको हायर कर रहे हो ब्रांड एम्बेसडर की तरह? आप अगर एक क्रिमिनल को हायर करोगे जो जिसका मतलब बहुत एक्टिंग पे, एंड नॉट ओनली वन मैटर है, शी इज एक्यूज्ड इन ड्रग्स मैटर, वो बेल पे है, और इवन फाइनेंस के मैटर में भी एक्यूज है, ईडी के मैटर में, और यू नो सुशांत के मर्डर में तो सीबीआई में तो शी इज द मेन एक्यूज, जो सुशांत की फैमिली ने जो और ऐसा कि मैंने आपको अभी बता दिया दैट अभी हमारी ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी है एज ऑफ नाउ, ठीक है, हमने उन्हें पूरे तरीके से लाइक एसोसिएटेड है कि नहीं है उसकी जानकारी दी है कस्टमर सपोर्ट की, सर आपने तो कॉल किया कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव में, दैट की जो भी फूड होते हैं उससे रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेन होती है उसके लिए होते हैं, बट आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैं अगर मैं ड्रोल्स का कोई प्रोडक्ट खरीदूंगा, मुझे मालूम है कि ऐसी क्रिमिनल आपकी ब्रांड एम्बेसडर या आपके प्रोडक्ट्स को एंडोर्स कर देंगे तो मैं ड्रोल्स क्यों लूंगा? आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड सर, एंडोर्समेंट का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कस्टमर्स पे जी, चक्रवर्ती इस औरत पे तीन तीन केसेस चालू है, थ्री थ्री बिग बिग केसेस चालू है इसके ऊपर, ये एक्यूज है, प्राइमरी एक्यूज, तो आप मतलब आप समझ सकते हो कि आप कैसे उसको ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हो? सर मैं आपकी बात समझ, आई एम ओनली वर्किंग इन एन कंपनी, आई एम जस्ट एन एम्प्लॉय, ये जो भी डिसीजन होते टेकन बाय द मैनेजमेंट, एंड जैसे कि मैंने आपको कहा अभी कि अभी जो ब्रांड एम्बेसडर है एज ऑफ नाउ इट्स कियारा आडवाणी, इवन हमें भी इसके अभी तक इतनी जानकारी नहीं है कि रिवर्टी इज गोइंग टू दुबई और नॉट फॉर अवर टूर फंक्शन, तो जैसा भी रहेगा एज आई टोल्ड यू कि आपने लाइक आपको मेल पे रिवर्ट मिल गया है जिसपे क्लियरली लिख कर आया कि रिवर्टी वाली ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, ठीक है, सारी चीजें आपको हम एक्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर भी देंगे, ठीक है, ओके, आप कैसे कैसे प्रोसेस करोगे? मेरे पास आपका नंबर है, अभी जिस नंबर से आपने कॉल बैक किया है जी, डेफिनेटली गेट बैक टू यू प्लीज, आप बिकॉज देखिए हम लोग तीन साल से सुशांत के जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, और ये जो औरत है ना ये प्राइम एक्यूज है, इसके ऊपर एफआईआर है, इज अ प्राइम एक्यूज, और उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई यू हायर दिस पर्सन एज अ ब्रांड एम्बेसडर, मतलब आपका ब्रांड वैल्यू बहुत गिर जाएगा अगर आप इसको कंटिन्यू करोगे तो जी, आशुतोष जी ये था रिकॉर्डिंग, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया ग्रिल किया, आपने तो बल्कि पूरी तरह से उस एक्यूज को सामने में रख करके बात की है। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो अभी उन्होंने कहा है कि सी इज नो मोर आवर ब्रांड एम्बेसडर, तो ये कब की बात है? ये जब हम लोगों ने मामला उठाया, उसकी संज्ञान में गया, एसएसआर वॉरियर ने मेल किया, वो घबराए और उनको लगा कि ये मामला बहुत तूल पकड़ रहा है, इसमें हमको वापस लेना चाहिए, या पहले ही उन्होंने उनको हटा दिया था और ये फॉल्स इन्होंने फॉल्स एप्लीकेशन वहां पे डाला है, फर्जी मेल ही फर्जी था? देखिए उन्होंने कैटेगोरिकली बोला है कि वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, और जो रेहा चक्रवर्ती है उसने अपने पेटिशन में आप क्लियर कट देखोगे, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ एग्जैक्टली उसने अपने इंटरिम एप्लीकेशन में क्या डाला है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ एग्जैक्टली उसने क्या बोला है, कैसा झूठ बोला है उसने, द एप्लीकेंट दैट द एप्लीकेंट वाया ईमेल डेटेड 6 December 2023 has been invited to Dubai with respect to an assignment that she endorses, namely Drools, from 27th December 2023 to 2nd January 2024. The aforestated brand is a renowned pet food brand that seeks to be recognized as a global
leader in providing holistic nutritional needs for pets in order to help them enjoy long lives. यहाँ पे इन्होंने ये रिया चक्रवर्ती ने क्लियर कटली बोला है कर रही है, हालांकि यहाँ पे ड्रूस वाले बोल रहे हैं कि वो हमारी ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, हमने उसको हटा दिया है। तो किस मतलब ये उसने जो पेटिशन में बोला है वो बिल्कुल झूठ है, इट्स अ ब्लेटेंट लाई, शी इज लाइंग। तो अगर वो झूठ बोल रही है कोर्ट के सामने कि मुझे दुबई जाना है क्योंकि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं, लेकिन रूल्स वाले बोल रहे हैं ये तो हमारे ब्रांड एम्बेसडर है ही नहीं, मतलब वो कोर्ट के सामने झूठ बोल रही है। तो सचिन क्या ये देवाले बनर्जी ने जिस ब्रांड एंडोर्समेंट का वो हवाला दे रही है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6-8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलता पूर्वक काट सकता है। जब